आंग सान सूची को रोहिंग्या कत्लेआम के मामले पर एक और बड़ा झटका लग गया। म्यांमार रहनुमा को इंसान दोस्ती और अदम तशद्दुद पर मबनी जदोजहद पर मिलने वाला द फ्रीडम ऑफ सिटी अवार्ड वापस ले लिया गया। द सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन ने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के मामले पर म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची से द फ्रीडम ऑफ सिटी अवार्ड वापस ले लिया है। सीएलसी ने कहा है कि म्यांमार रहनुमा का रवैया काबिले मुज़म्मत है। सीएलसी उत्तरान ने कहा है कि हम म्यांमार हुकूमत और उसके लीडर्स के दोहरे रवैये की सख्त अल्फाज में तनकीद करते हैं। हम रोहिंग्या के मामले पर सूची के रवैये से खुश नहीं हैं। लिहाजा द सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन सूची को दिया गया द फ्रीडम ऑफ सिटी अवार्ड वापस लेने का ऐलान करती है। सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के जारी बयान में कहा गया है कि दुनिया के तमाम इंसानी हकूक के कारकुनान म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से काफी फिक्रमंद हैं। सूची से अवार्ड भी म्यांमार हुकूमत के गलत कामों और उनके नरम रवैये की वजह से वापस लिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि आंग सान सूची को इस बावकार अवार्ड के लिए इसलिए मुंतखब किया गया था कि वो दुनिया भर में इंसान दोस्त और अदम तशद्दुद पर मबनी जद्दोजहद की अलामत थी। हालांकि ये पुरानी बात लगती है और अब हालात वैसे नजर नहीं आ रहे। ये अवार्ड विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला और स्टीफन हॉकिंग जैसी अजीम शख्सियात को मिल चुका है और उसके वकार को बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।